यार बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ही बड़ा नुकसान हमारा हैंड टाइम पिजन बिल्ली ले गई है यार। ये बड़े दिनों से पीछे पड़ी हुई थी, आज इसने काम अपना लगा दिया। भोग गई है, भोग गई। ओए होए, सुल्तान साहब तो आ गए हैं, वो दो पिजन उधर जाके बैठ गए हैं वो सामने, और सुल्तान आ गया अपना घर वापस। यार रात सारी मैं सोया कोई नहीं, इसलिए नहीं सोया कि यार सुबह सुबह जाग मैं पिजन्स खोलूँगा, उनको थोड़ा सा उड़ाएंगे, इधर उधर करेंगे, इधर उधर बैठेंगे। दो पिजन्स तो जाके बैठ गए हैं वो सामने वाली छत पे, वो तो आ नहीं रहे। उनके लिए मैंने बिठाया हुआ था छत पे, इस वाली छत पे ब्लैक वाले वो हैंड टेम पिजन को। इधर से आई है बिल्ली, बिल्ली ना उधर से आई है जहाँ से आती है रोज़, उधर से ऐसे ऊपर आई है, फिर इधर आई है, इधर से ना वो वाली साथ वाली छत पे चली गई है, इस वाली छत पे गई है। इस वाली छत पे जाने के बाद जनाब उधर गई है, यहाँ से ऐसे होके उधर आई है, उधर से फिर इस छत पे आई है, इस छत से ऐसे नीचे आई है, और इधर बैठा था हमारा पिजन, उसको पकड़ा है। ये उसके पार भी बेचारे पड़े हैं नीचे ब्लैक ब्लैक, बड़ी ओए होए बड़ी बेदर्दी से यार उसने पकड़ा, बड़ी बेदर्दी से, और ले के ऐसे भागी है। मुझे नहीं था पता कि मतलब ये उधर आएगी ऐसे आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं अपने ध्यान में वहाँ चेयर पे बैठा हूँ यार, मैं धूप में बैठा हुआ था थोड़ी देर, मैं उनका इंतज़ार कर रहा था, वो तो आए कोई नहीं। और ब्लैक जो पिजन यहाँ पर था उसे बिल्ली ने पकड़ा, और मैंने आपको दिखाया यहाँ से भागी है उधर 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 से उधर उस छत पर, आगे से पता नहीं कहाँ पे गायब हो गई है। तो यार मेरा जो सारा शौक था ना, जो मैं रात से प्लान कर रहा था कि यार मैं इनको उड़ाऊँगा, ये उड़ के ऐसे वापस आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं इस बिल्ली का ज़रूर कुछ करना है, कोई इसको कैच करने के लिए ना कोई चीज़ ज़रूर करनी है यार। इसने बड़ा नुकसान करना है, काफ़ी देर से ना काफ़ी ज़्यादा देर से पीछे पड़ी हुई थी। मैं बड़ा कह रहा था कि यार चली जाएगी चली जाएगी चली जाएगी, बीच में इसने एक दफ़ा बच्चे भी दिए थे, आपको बताया पहली वीडियो में जब हम मिनी फोई लेके आए थे। तो यार इसने ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया अब हमारा, और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का है कि यार ये वो हो एक वो भी है, और यार इन बिल्लियों का मैं क्या करूँ। ओहे अल्लाह का शुक्र है मेरी नज़र पड़ गई है इन्होंने ना, अब तो इंशाल्लाह पक्का हो गया ना, आज के आज ही मैं कुछ करूँगा इंशाल्लाह। अभी आज ना मैं चाचू से बात करूँगा कि यार ये देखो इन्होंने भी उस छत पे ना वो लगाया हुआ है, वो अपनी दीवार जो है ना ऊंची कर दी हुई है उस छत से, तो इस छत से उधर जाती हैं, उधर से फिर उनकी छत पे जाके पहले इनका भी बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्ली जो है ना कबूतरों को मार जाती है, एक आधा इसने खाना होता है और बकाया को मार जाती है। ए, लेकिन आज जो हमारे साथ हुआ है ना वो बड़ा ही बुरा हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है मैं इस साइड पे आया हूँ आपको दिखाने के लिए। मेरी दूसरी बिल्ली पे नज़र पड़ गई है, ये तो उसने और ज़्यादा नुकसान करना, तो उसने अंदर चले जाना था रूम के अंदर हमारे मास्टर रूम में, तो उसने जाके ना और ज़्यादा नुकसान करना था। यार मैं आपको बता नहीं सकता इस टाइम जो मैंने देखा है ना, और मैं अंदर से ऐसे हिल रहा हूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसका करूँ क्या। तो अभी खैर अभी तो मैं जाके बैठता हूँ नीचे, उनका पता नहीं उन्होंने किस टाइम आना है नीचे उतरना है, क्योंकि वो सामने छत पे जाके बैठ गए हैं, ये दो बैठे हैं। एक गलती मुझसे ये हुई है, नहीं तो अभी तक इन्होंने वापस आ जाना था मेरे से। एक गलती ये हुई है कि मैंने आते साथ ही इनको डाइट खिला दी थी, तो डाइट जब इन्होंने खा ली है ना, अब बड़े सुकून से ना वो उधर जाके बैठ गए हैं, अब डाइट इनको भूख शूख लगेगी फिर ये वापस आएंगे। तो यार इनके लिए मैंने ना अपने दो कबूतरों को यहाँ पर बिठाया हुआ है, सुल्तान को और इसको, और अल्लाह का शुक्र है हम इस साइड पे आ गए थे, नहीं तो बिल्ली ने ऐसे ही इस रूम में अंदर चले जाना था, और अंदर जाके हमारा और ज़्यादा नुकसान हो जाना था। खैर अभी यार शाहजेब लोन ने आना है, शेबी ने आना है, उसने वो हीरे वाला पेयर देखना है, तो वो हीरे वाला पेयर भी देखेगा और वो बताएगा कि यार कैसा है कैसा नहीं, ठीक है ना। और हमारी इस छत पे भी मुर्गियां हैं, उमर भाई ने रखी हुई हैं, हमारे साथ वाले नेबर्स हैं, और उमर भाई ने जनाब यहाँ पे मुर्गियां मुर्गियां रखी हुई हैं, इनको भी बड़ा शौक है, असील मुर्गी हैं सारी, असील मुर्गे भी हैं, और वो भी एक मुर्गा है नीचे यहाँ पे घूमते रहते हैं, और जब धूप होती है ना सुबह सुबह धूप निकलती है तो यहाँ पर आ गए ना धूप में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। यार अब ये पता नहीं कब आएंगे, और टाइम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा,
मुझे इनका बड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा यार, क्योंकि परिंदे को जब उड़ाते हैं हम अपनी मर्ज़ी से उड़ाते हैं, और जब वो वापस आता है वो अपनी मर्ज़ी से वापस आता है। अभी मुझे पता नहीं इनका कितना को इंतज़ार करना पड़ेगा यार, इनके इंतज़ार के चक्कर में ना बड़ा ही नुकसान हो गया यार, बहुत 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 ज़्यादा नुकसान हो गया। मैंने ये कभी भी नहीं था सोचा कि यार हमारा एंटीम पिजन उधर ऊपर बैठा होगा, वो आके क्या होगा हमारे साथ। बड़ा दुख हुआ यार। तो अल्लाह का शुक्र है यार, ये वाले जो हमारे दो पिजन थे ना जो शरारी उड़े थे, ये वापस आ गए। एक ये बैठा हुआ है और एक वो नीचे बैठा हुआ है। इन्होंने तकरीबन कोई 2.5 घंटे मेरे ना टाइम वेस्ट किया है, अब आ गए हैं, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद तो यही है कि यार आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। यार इतना प्यारा मौसम बना है ना, ठंडी हवा, बेहतरीन सा मौसम, और इतनी कमाल का मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम भी बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे इन्होंने ना पता नहीं क्या किया हुआ, अपना पानी वाला जो बर्तन है नीचे कराया हुआ है। रैबिट निकालना चाहो निकाल लो, घुमरी इधर आओ, वो आ जाते हैं बाहर। और साथ जो है जी, अभी इसको बड़ा शौक होता है रैबिट, मैं निकाल लूं रैबिट, निकाल लूं रैबिट, निकाल लो भाई। हाँ यार वो एक मार गया बेचारा, कहाँ पे ले जाना, इसको रखना इधर इसके साथ खेल। तो यार चेयर पे नहीं रखना, चेयर पे मैंने बैठना, इधर ऊपर कहाँ पे लेके जाना ही। हाँ अपने पास रखो, खेलो इसके साथ। तो यार अभी ना शेबी भाई आने लगा, साथ एक दोस्त आने लगा, पता नहीं आ गए कि नहीं आए। वो मेरा दोस्त नीचे खड़ा हुआ है, आने लगा ऊपर। एक मिनट भाई, एक मिनट बस। तो यार शेबी, अभी मैं आपसे बात कर ही रहा था और शेबी आ गया, तो अभी मैं मोदम को कहता हूँ कि भाई को ऊपर ले आ। भाई साहब अभी होने लगी है इंस्पेक्शन, अभी शेबी लोन जो है ना, जो हमारा जो बड़ा ही वो मतलब जिसे कहते हैं एक्सपर्ट है, वो आगे चेक कर रहा है जी। जी इसकी खूबियाँ बताएं जरा, ये मियाँ वाली का क्या है, क्या कंडों में लड़ने वाला है, अच्छी चीज है या बस फर्क है? जोड़ शोड़ ठीक है इसके भाई, हर चीज ठीक है। आपको मुर्गी ज्यादा पसंद आएगी, जुनेद भाई को दिखाओ जरा। यार अभी इंस्पेक्शन चल रही है, दूसरा मुर्गा इन्होंने चेक कर लिया है, ये जो हमारा असील वाला दूसरा, तो ये जो है ना अभी शेबी मुर्गी चेक कर रहा है दूसरे वाली। मुर्गी भाई बड़ी अच्छी है, मुर्गी पसंद आई है भाई, मुर्गी राड है राड। तो भाई अभी इंस्पेक्शन जा रही है जी, मैं जो भी चीज चेक करवानी होती है ना शेबी को चेक करवाता हूँ, क्योंकि इसको काफी ज्यादा ना इनकी डिटेल्स का पता है, ये कहाँ की नस्ल कैसे बनी हुई है, क्या है क्या नहीं, तो जो भी पता होता है ना शेबी को ज्यादा पता होता है। तो इसलिए जो है ना मैं शेबी से चेक करवाता हूँ कि यार ये देख, ये ठीक है, रखने वाली चीज है या नहीं, क्या है क्या नहीं। तो अभी पास है भाई, पास है भाई, माशाल्लाह। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा पेयर जो है ना वो पास हो गया। तो अभी ये वैसे लेस पे हैं, अभी इन्होंने एगलिंग शुरू नहीं की, तो थोड़ी देर अभी मैंने इसको बोल ले, तू बोल ले। हम यार मुर्गों को चेकिंग में लगे रहे हैं, एक मुर्गा आ गया जी साथ वाली छत से हमारी, बड़ा ही प्यारा, बड़ी ही अच्छी नस्ल का, और ये जुनेद भाई के अपने घर का मुर्गा है ये, और माशाल्लाह इसकी उठान और इसका खड़े होने का तरीका बड़ा ही कमाल का है। हम यहाँ पे बातें करते करते बातें कर रहे थे मतलब, और यहाँ पे इतना ज्यादा मजमा लग गया जी, माशाल्लाह सारे इकट्ठे हो गए, बच्चा पार्टी सारी हमारी इंस्पेक्शन में आके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यार। आपके आपके सब्सक्राइबर कितने आए हैं? हमारे सब्सक्राइबर बड़े ज्यादा हो गए हैं, और ये देखो माशाल्लाह हमारे जू पे कितना ज्यादा रश हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिनी जू यार, हमारे मिनी जू में काफी ज्यादा रश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो देखो कहाँ से आ रहा है वो गुड्डा लेके।